पहले तो मैं एक दो चीज आपको समझाना चाहूंगा हिस्ट्री पढ़ने से पहले, और आपको यह समझना है कि यूपीएससी कल्चरल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कल्चरल हिस्ट्री क्या होती है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, कौन राजा था, कौन रानी थी, राजा रानी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की कहानियां और इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री राजा रानियों तक ही सीमित होती है। इवन हमारे यहां इतना ज्यादा इस चीज को कंसेप्ट है, इंडिया लैक, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं, इंडिया लैक वर्च्यू ऑफ जस्टिस, कि हमारी मूवी में भी अगर आप देखोगे तो दिखाया जाएगा कोई गांव में, मान लो सुदूर गांव में, उसमें कोई लड़का अगर बहुत समझदार निकला ना, तो वो राजा का लड़का ही दिखाया जाता है जो बचपन में खो गया है, और वो बाकी के सारे जो गांव वाले हैं वो बेवकूफ है, उसके पीछे भागेंगे, और राजा का लड़का बिल्कुल अलग पैदा हुआ है, वो बिल्कुल बलशाली है, बुद्धिमान है, तेज है, प्रतापी है, परम भट्टारक है, और बाकी के लोग मूर्ख हैं। तो वंस वन पर्सन सेंटर्ड कहानियां लिखी जाती हैं, यानी राजा बेस्ड, राजा रानी दोनों खुशी खुशी रहते थे, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यूपीएससी पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन पूछता। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कल्चरल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कल्चरल और फिलोसफिकल हिस्ट्री क्या है, मैं कहूंगा एक्सेप्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो भी इकोनॉमी रही है, सोसाइटी रही है, टेक्नोलॉजी रही है, कल्चर रहा है, रहने का तरीका रहा है, सेटलमेंट रहा है, खाने के बर्तन, पोटरी रही है, ये सब जो हिस्ट्री है उसे हम कल्चरल हिस्ट्री कहते हैं। यू हैव टू लर्न कल्चरल हिस्ट्री, क्योंकि किसी राजा की कहानी आपकी कहानी नहीं है, आपकी कहानी आपके पूर्वजों की कहानी है, आपके परदादाओं की, उनके परदादा की, उसके पर उनके परदादा की। इसलिए हिस्ट्री का हमेशा टॉप टू बॉटम लिखी गई है। टॉप टू बॉटम मतलब एक राजा बता दिया जाएगा, अशोक, वो हम सब का राजा, हम सब की कहानी। अरे हमारी कौन सी कहानी, वो कौन सी अशोक हमारी कहानी है, वो आपके परदादा की कहानी नहीं है। आपके परदादा कैसे रहते होंगे गांव में, उन्होंने किस तरह के टैक्सेशन में जिया होगा, किस तरह की इकोनॉमी होगी, किस तरह के सेटलमेंट में रहते होंगे, वो आपकी हिस्ट्री है। अशोक की हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री नहीं है। तो हिस्ट्री के साथ एक कर्स है कि इट इज लर्न फ्रॉम टॉप टू डाउन, कि हमेशा ऊपर से पढ़ी जाती है राजा रानियों की कहानी और वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यूपीएससी आपकी हिस्ट्री पूछता है, जिसे हम सबाल्टर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, कल्चरल हिस्ट्री। और आपको अमेज होगा, पहली बार ये सबाल्टर्न और जो आप लोगों की हिस्ट्री है, इसे लिखने वाले थे डी डी कोसाम्बी, बहुत फेमस हिस्टोरियन है डी डी कोसाम्बी, मेरे पास उनकी बुक लिखी है और मैंने पढ़ी थी, वंडरफुल मैन। और उन्हीं के चेले थे आर एस शर्मा, वन मैन हु हैज इंडक्टेड पीजेंट इन टू द हिस्ट्री। आम लोगों को हिस्ट्री का पार्ट बनाया गया, किसानों को हिस्ट्री का पार्ट बनाया गया। पहले तो हम सब किसानी फैमिली से ही आते हैं, कोई एआई से आता है क्या? ठीक है, वो अभी आया है, अभी आके चलेंगे, बता देंगे, बड़ा भोला क्वेश्चन है ये, बता देंगे, अभी बता देंगे कैसे हिस्ट्री ड्राइव की जाती है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसीलिए हूं। तो आर एस शर्मा वॉज द फर्स्ट मैन हु हैज इंडक्टेड पीजेंट इन द हिस्ट्री। इसलिए आप देखिए यूपीएससी आर एस शर्मा से, राम शरण शर्मा से इतने क्वेश्चन पूछता है। अ वंडरफुल बुक वाज रिटन। तो आप समझिए, आपको कल्चरल हिस्ट्री पढ़नी है, लेजेंड्स नहीं पढ़ रहे, पढ़ने कहा जाता है लेजेंड्स डू डाई अवे, वॉट रिमेन्स इज द लेगेसी, यू हैव टू स्टडी द लेगेसी, लेगेसी पढ़नी है आपको, ठीक। दूसरी चीज, स्कूलों में आपको ये सिखाया हो गया होगा बचपन में कि भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इधर आ जाओ। आपको बहुत मिसकंसेप्शन भी दिया जाता है कि हिस्ट्री का मतलब डेट को रटना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट की तो मैं एक कहानी सुनाऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, आर्कियोलॉजी की भी बात बताएंगे कहां से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो सब डेट की कहानी देखें तो हमारी जो रेफरेंस डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री की, वो 326 BC है। 326 BC, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, समझा देंगे बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, पहले बस देख लो। बिफोर क्राइस्ट का मतलब
326 बीसी बिफोर क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 300 साल पहले, 326 साल पहले, 326 बीसी इसलिए रिफरेंस डेट है क्योंकि इसमें बैटल ऑफ हाइडेस्पीज हुआ था। बैटल ऑफ हाइडेस्पीज का मतलब झेलम नदी पर एक बैटल हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें बाद में पोरस की हार हुई थी और पोरस भी खैर बहुत महानता के साथ लड़ा था, ये भी बात है, लेकिन पोरस की हार हुई थी। इस डेट को अरिस्टोटल प्लीनी जैसे लोगों ने अपने हिस्टोरिका में पेन डाउन किया, इसलिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इंडियन डेट क्यों नहीं कर रहे हम, व्हाई नॉट इंडियन डेट्स, ये तो हम ग्रीक अकाउंट से ले रहे हैं, यानी उस समय की यूरोप और इटली की जो सोसाइटी थी उसे ग्रीक कहते थे, ठीक, उसके बाद रोमन्स आएंगे, अभी हम ग्रीक की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रीक अकाउंट्स में है 326 बीसी। आप कहेंगे इंडियन अकाउंट्स की क्यों नहीं बात कर रहे, इंडियन हिस्ट्री की क्यों नहीं बात कर रहे। बात ये है, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो लिखी पुरानों में नहीं है, किसमें रह गई है, पुराण का मतलब ये होता पुराना, ओल्ड, ओल्ड यानी जो पुराण लिखे गए हैं पुराना, और इन पुराण के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो हिस्ट्री लिखते हैं, ये हिस्ट्री लिखते हैं साइक्लिक में, टाइम का जो स्केल है साइक्लिक है, इसमें सतयुग आता है, द्वापर युग आता है, त्रेता युग आता है, कलयुग आता है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, तो टाइम का ऑर्डर साइक्लिक है। इसलिए आपने सुना होगा रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास कि राम ने 14,000 साल राज किया, वाल्मीकि भी लिखते हैं कि 10,000 साल से ज्यादा राज किया। तो कोई आदमी 10,000 या 14,000 साल कैसे राज कर सकता है, टाइम का ऑर्डर जब साइक्लिक हो, और टाइम का ऑर्डर जब साइक्लिक होता है तो ये बताना, तुम्हारे को ये बताना कि साइक्लिक में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहां है, किसी भी टाइम के ऑर्डर में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहां है, ये बताना इम्पॉसिबल है। साइकिल में कैसे बताओगे, एक सर्कुलर है, टाइम का ऑर्डर सर्कुलर है, इसमें कैसे बताओगे स्टार्टिंग कहां है एंडिंग कहां है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जब मौर्यन डायनेस्टी अशोक वाली का डिक्लाइन हुआ और सुंग डायनेस्टी आई, तो ब्राह्मण डायनेस्टी थी सुंग डायनेस्टी, तो ब्राह्मणों ने पुराण में लिखा कि सतयुग आ गया कलयुग के बाद। अब आप बताओ सतयुग पहले आता है कलयुग पहले आता है, लेकिन कलयुग के बाद नहीं आया सतयुग, तो हाउ कैन यू टेल कि टाइम जोन क्या है, समझ में आया। तो पुराण के साथ दिक्कत यह है कि टाइम का ऑर्डर क्या है, साइक्लिक है। दूसरी चीज पुराण के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह भविष्य काल में लिखा जाता है, किसमें, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। आप कहोगे भविष्य काल तो अंग्रेजी में होता नहीं है, इसलिए मैंने भविष्य काल कहा है। इंग्लिश ग्रामर में तो खाली टाइम का रिफरेंस होता है, फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है। नहीं, आई थिंक आप यू मस्ट बी नोइंग द इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्यूचर टाइम का रिफरेंस होता है, टुमोरो कल की बात कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कल आना, हमारे यहां पूरी भविष्य की व्याकरण है, कल आना है, ठीक है। तो हमारे यहां भविष्य काल है, भविष्य काल में लिखा पुराण जो है भविष्य काल में लिखे गए। अब भविष्य काल में लिखे गए हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आदमी अगर 1950 में बैठा है और ऐसा लेते हैं, कोई आदमी मान लो 2023 में बैठा है और उसे 2023 के बाद के 2024 के इलेक्शन बताने हैं, तो भविष्य काल में लिखने वाला ऐसे लिखेगा 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, 1962 में हम एक बहुत बड़ी पावर से लड़ाई करेंगे, उसके बाद नेहरू जी जो होंगे पहले प्राइम मिनिस्टर उनका देहांत हो जाएगा, 1971 में हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा देंगे, 1975-76 में इमरजेंसी होगी, 84 में जिसने इमरजेंसी लगाई थी उसे मार दिया जाएगा, 1991 में हम एलपीजी ले आएंगे, सन 2000 में पावर चेंज होगी और हिंदुत्व की पार्टी पावर में आएगी, फिर हम कहेंगे, फिर बात चलती रहेगी, फिर हम कहेंगे 2014 में 10th अवतार ऑफ विष्णु, ठीक है, 2014 में ऐसा होगा,
फिर हम कहेंगे कोविड आएगा, एक बीमारी आएगी, आएगी आई, मैं बैठा 2023 में, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, आएगी। तो मतलब वो साइक्लिक, उसमें बात साइक्लिक के साथ साथ भविष्य काल में। इसलिए जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसके बाद 15वीं-16वीं शताब्दी में जब रामचरितमानस लिखते हैं तुलसीदास, और अकबर के कंटेम्प्रोरी समकालीन है, तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं वाल्मीकि का फ्यूचर अवतार हूं, इसलिए अवतार का सिस्टम है, क्योंकि भविष्य काल है, भविष्य काल में अवतार होते हैं। फिर एवरीवन, इसे तो तुलसीदास ने लिखा, मैं वाल्मीकि का फ्यूचर अवतार हूं, मैं कलयुग तो वाल्मीकि हूं। समझ में आया? तो ये फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम पुराण के साथ, जल्दी बोलो क्या। अरे मैं कह तो रहा हूं मैं 2023 में लिख रहा हूं बेटा, लेकिन स्टार्टिंग में कहां से कर रहा हूं। काव्य ऐसे लिखे जाते हैं, कालिदास ने ऐसे ही लिखा है। मैं लिख तो अभी रहा हूं, लेकिन बात कब की कर रहा हूं। इसलिए जब गुप्ताज के पीरियड में जब महाभारत और रामायण को फुल स्वरूप दिया गया, तो उसका टाइम जोन निकालना इतना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और लिख रहे हैं वो गुप्ता पीरियड में, टाइम जोन निकालना इतना मुश्किल है फिर उसका। तो ये फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। तीसरी प्रॉब्लम पुराण के, पुराण सुना ना, भागवत पुराण होती है, भागवत गीता अलग है, माता जी भागवत गीता अलग है, थोड़ी रहम। हाँ, भागवत पुराण, शिव पुराण, सत्य पुराण, इतने सारे पुराण है। तुम भी अपना पुराण लिख सकते हो, तरीका बता दिया लिखने का। नहीं सही, हम पुराण को खाली हिस्ट्री देखिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान के नाम पे ही पुराण लिखे गए हैं। अब भागवत पुराण राजा हरिश्चंद्र की भी बात करती है, वो तो भगवान नहीं है। भागवत पुराण कृष्ण की रासलीलाओं के बारे में बात करती है, कृष्ण की सारी उसकी बात करती है, भक्ति की बात करती है, आम सोसाइटी की बात करती है। हाँ, सोसाइटी के हर पहलू के बारे में बात करती है। तो पुराण के साथ तीसरी प्रॉब्लम ये है, दे आर कॉस्मो लिटरेचर, हर चीज लिख रही है। क्या है ये? अब कॉस्मो लिटरेचर में भगवान भी आ गए, मेरे जैसा आम इंसान भी आ गया, हरिश्चंद्र जैसे राजा भी आ गए, ठीक है, वहां की प्रजा भी आ गई, जो भी प्रजा है, टैक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये बताना क्या इसमें सच है, क्या माइथोलॉजी है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, इम्पॉसिबल है। मैं कहूं एक आदमी लिखता है 12 सिंहासन, उसका जो सर है वो शेर का है, और फिर कहूं एक राजा है मनु, जिसका नाम, तो आप कैसे बताएंगे राजा मनु असली है या वो आदमी जिस पे शेर का मुखौटा लगा हुआ है वो असली है। कॉस्मिक लिटरेचर, तो ये भी पुराण के साथ एक प्रॉब्लम है एवरीवन। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ग्रीक डेट ली 326 BC। अब आप अपनी हिस्ट्री पर आप मतलब यू विल अमेज टू नो कि इंडियन हिस्ट्री की, पर्टिकुलरली एंशियंट हिस्ट्री की, जिस काल की हम बात कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की, उसमें डेट कोई मतलब ही नहीं रखती, क्योंकि डेट है ही नहीं। एक डेट को रेफरेंस बनाया गया है, और इसके कारण इतनी डेट डिस्टॉर्शन है कि हमें हर डेट 2 से 3 मिलती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, गौतम बुद्ध द अवेकंड, अवेकंड मतलब जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इन्हें निर्वाण मिल गया है। इनकी बॉर्न डेट में कितना डिफरेंस है, कितना डेट है, 663 या 480। डेथ डेट में 80-60 साल कुछ है ही नहीं, डिस्टोर्टेड डेट, क्योंकि डेट का रिफरेंस ही नहीं है। अंग्रेजों ने पुराण को सोचा कि हम ऐसे हिस्ट्री बना देंगे,
लेकिन प्रॉब्लम यही थी प्रांस के साथ कि वो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल पे नहीं लिखी गई है, इसलिए आपने पहली साइंटिफिक हिस्टोरिकल बुक इंडिया में कलहन की रास तरंगिनी सुनी होगी, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखी गई दिल्ली सुल्तानों के आने के बाद। रास तरंगिनी कलहन की, कश्मीर के राजाओं और वहां की उसके बारे में है, करबी जो जितने भी राजा रहे हैं, रास तरंगिनी तो पहली साइंटिफिक बुक थी। क्यों? हमने साइंटिफिक मेथड से बुक लिखी ही नहीं, हमने पुराण में हिस्ट्री लिखी। अब आपको यू विल अमेज टू नो 326 BC अगर आप जाएंगे तो ग्रीक रिकॉर्ड्स में ये लिखा जाता है कि इस समय जो भारत है, भारत को सिंध कहा जाया है, वहां से सिंध से हिंद भी वर्ड आया है, कि जो भारत है, भारत में एक शासन शासक रूल करता 326 BC में, उसका नाम है सेंड्रोकोटस। क्या नाम है? आप मोबाइल पे अपना वो निकालिए, मतलब जिसे जो माइक होता है, और माइक पे बोलिए सेंड्रोकोटस। बोलो 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 सेंड्रोकोटस, बोलो बोलो सेंड्रोकोटस, बोल भाई कहाँ है, नींद आ रही है तुझे? पक्का ठीक है, मजे में। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस अगर आप बोलेंगे तो उसे आएगा चंद्रगुप्त। अब सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस को ग्रीक रिकॉर्ड्स में लिखा गया सेंड्रोकोटस, उसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो चंद्रगुप्त आता है। सो सिंपल सो ऑब्वियस, ठीक है। क्योंकि अब बात यह है, जैसे संस्कृत में हम ये हलंत लगाते हैं, वैसे ग्रीक में यूएस लग जाता है पीछे, बात एक ही है, हम हलंत लगाते हैं, वो यूएस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्तम सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस का लड़का जो ग्रीक रिकॉर्ड्स में बताया गया है, उसे कहा गया समरकोटस। क्या बताया गया है? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त, उसका लड़का समरकोटस। समरकोटस का मतलब समुद्रगुप्त। एक चीज और, चंद्रगुप्त का लड़का हमें हिस्ट्री से पता है वो बिंदुसार था, जो यहां पे जिसको जिसको जहर दिया गया था और यहां पर उसकी बिंदी बन गई थी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त का लड़का कौन था? बिंदुसार। और यहां क्या आ रहा है? समुद्रगुप्त। आज लोग डाउट करने लगे हैं, 326 BC वॉज नॉट द टाइम ऑफ मौर्य, इट वॉज द टाइम ऑफ गुप्ताज। इतनी डिस्टोर्टेड हिस्ट्री है तुम्हारी। मैं आपको वो फिक्शन के लिए नहीं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, आज डिबेट चल रही है 326 BC में गुप्ताज थे, नॉट मौर्याज। तो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ हिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। डेट का कोई, जो आप वो स्कूलों में पढ़ के आते हो और जो आपके टीचर्स, कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं जो हिस्ट्री में खाली डेट रटवाते हैं, उनकी तरह आपको डेट नहीं रटनी है, ठीक। तो डेट ठीक मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। टाइम का जोन होना जरूरी है, टाइम का जोन मतलब कि हां मौर्य के बाद गुप्ताज आए थे, ये जोन होना जरूरी है। वो जोन आपको पढ़ते पढ़ते इतना आ जाएगा रट जाओगे इसे, उसे छोड़ो तुम टाइम के जोन को, लेकिन डेट नहीं रटनी। कुछ डेट है जैसे जो रिफरेंसी डेट बना दी गई, उसे तो याद रखना सो ऑब्वियस भी है। फिर चले आगे, तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में वी आर स्टार्टिंग विद प्री मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में भी तीन तरह की हिस्ट्री है। आप कहेंगे ऐसा भी है, मैं कहूंगा हाँ ऐसा ही है। तीन तरह की हिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो साल हमने अपनी जिंदगी के बिताए हैं इस ह्यूमन सिविलाइजेशन में, वो बिताए हैं बंदरों की तरह। 20 लाख साल, कितने आदमी को मॉडर्न मैन बनते हुए, यानी जो जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसे बने हुए ज्यादा से ज्यादा 8,000 साल पहले, 2,000 साल अब के, 10,000 साल हुए हैं मॉडर्न मैन बने हुए। बस
जो आज हम सोफिस्टिकेटेड है, और जिस सोफिस्टिकेशन से हम बात कर रहे हैं, AI विल रूल द वर्ल्ड, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जिस तरह से हम आज मार्स पे जा रहे हैं, मूर्स पे जा रहे हैं, कुल 10,000-20 लाख साल हमने बंदरों की तरह जिया है। बंदरों तक तो मत कहिए, लेकिन बंदरों की तरह ही सोफिस्टिकेटेड, उन्हीं की तरह। तो आप समझिए कि एंशिएंट हिस्ट्री भी तीन तरह से डिवाइडेड है। एक प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब जब हम आदि मानव थे, और यहां पर हिस्ट्री लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी जो लिपि, जिस लिपि से तुम लिखते हो, जैसे देवनागरी अभी जिससे लिख रहे हो रोमन है, उस लिपि का कोई मतलब ही नहीं है, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। When you don't have written record, सबसे खूबसूरत हिस्ट्री, When you don't have written record, क्योंकि आदमी जब लिखता है तो अपने साथ बायसलेस लेके आता है। कुछ होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेट्स ऑन द वेस्ट, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, फॉल्स है ये। हाँ, अल्ट्रा साइंटोलॉजी, अभी के लिए मैडम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये कहे अर्थ, ये कह रही है अर्थ रोटेट करती है, संत हो ही ना कर रहा, वो पता है मुझे। अभी के लिए हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं। ये इसका कहना है इवन यूनिवर्सल ट्रुथ इज नॉट ट्रुथ, यू आर हेयर, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें ट्रुथ ग्रे होता है, एंड मैक्सिमम 99% ट्रुथ इज ऑलवेज ग्रे। जैसे मैं आपसे कहूं केजरु कैसा आदमी है, किसी को अच्छा लगेगा वो, किसी को बुरा लगेगा, और मैं कहूं अगर 0-0 तो छोड़ो, 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर देने हैं, तो केजरु को तुम कितना नंबर दोगी, केजरीवाल को? क्या कह रहे हो, जेल में जाने वाला है? ये बात बोल रहे हो, बोलो 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 बोल। क्या जब तक जिसकी सरकार हो उसी के साथ बोलना चाहिए, 7, यानी इनका कहना 7% वो अच्छा है, 3% खराब है। तो इन्होंने किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे दिया होगा ना ये डेटा, इनको लगता होगा इस एरिया में तो अच्छे हैं, 3 एरिया में वो खराब है, दिया है इन्होंने। आप 5 यानी 50% उनको लगता है इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 50% इनको अच्छा है। इन्होंने भी कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे दिया होगा। ट्रुथ इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, झूठ नहीं बोल रही है ये। दैट्स व्हाई जब रिटन हिस्ट्री होती है तब सबसे ज्यादा बायसनेस है, इसलिए हम कह रहे हैं सबसे ब्यूटीफुल हिस्ट्री है ये, यही अपनी हिस्ट्री है भाई। जब आदि मानवों के दांतों को निकाल के बताया जाता है क्या खाते हैं होंगे ये, जब उनके टूटे हुए घरों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑटोमेशन द्वारा, और देखा जाता है क्या क्या होगा यहां पे, अच्छा यहां कुएं होंगे, यहां खिड़की होगी, तब ये रियल इंटरप्रिटेशन है, यही रियल हिस्ट्री है। वी आर स्क्रिप्ट इज नॉट देयर, रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट आया हमारा प्रोटो हिस्ट्री, ये खामों का हम लोगों ने बना दिए कुछ बुकों ने, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब स्क्रिप्ट तो आ गई थी लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जैसे इजिप्ट के पेट्रोग्लिफ्स, नाइल वैली में पेट्रोग्लिफ्स लिखे जाते थे, रॉक्स पे कार्विंग, उसे पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। जायरोग्लिफ्स जो जमीन पे कर दी जाती है, समझ में? अब उसका वो क्या होती थी, शुरुआत की जो स्क्रिप्ट आई है वो पिक्टोग्राफिक होती है। जैसे मैं अगर मान लो पहाड़ों से घूम के आया तो मैंने एक पहाड़ बना दिया, और मेरे से अगर कोई 2 किलो अनाज लिया है तो मैंने 2 पहाड़ बना दिया। तो पहले की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक होती थी, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना मुश्किल है क्योंकि पिक्चर अनलिमिटेड हो सकती है, और हम वही स्क्रिप्ट डिसाइफर कर सकते हैं जो लिमिटेड हो। इंग्लिश इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों है, खाली 26 अल्फाबेट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन,
किसी अंग्रेज को हिंदी सीखने को कह दो, सीख ना पाए वो, आपको ही सारे इंग्लिश हिंदी अल्फाबेट याद ना नहीं होंगे, याद है सारे हिंदी अल्फाबेट? तुम सब देशद्रोही हो, देख देशद्रोही को याद है, ये सच्चा देशभक्त है, बोलो जय सिया राम। मुझे तो कह दे तो मैं 20 बार चिल्ला दूं और मैं कहूं अब तू बोल अल्लाह हू अकबर। ये क्या बना रखा है यार। भगवान हमारे निजी हैं, हमारे अपने हैं, वो कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है कि उनके नाम पर किसी से जबरदस्ती जय सिया राम करवाया जाए और किसी से अल्लाह हू अकबर कराया जाए। चलो जो हो रहा है वो गलत है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। चलिए इधर आइए, कभी कभी मॉरल साइंस के लेक्चर भी देने लगता हूँ मैं, फिर मुझे लगता है क्या कर रहा हूँ ये फालतू की बकवास। प्रोटो हिस्ट्री मतलब स्क्रिप्ट आ चुकी है लेकिन डिसाइफाइड नहीं हुई है, क्योंकि मोस्टली ये पिक्टोग्राफिक होती है। इजिप्ट की तो हो भी गई, हमारी ना, हमारी जो थी हरप्पा की वो स्क्रिप्ट यानी लिपि डिसाइफाइड नहीं हो पाई है बेटा, वो अभी तक पता नहीं लग पाई है। निर्मला ताई कह रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर, बजट में कह रही थी पिछली बार कि हम डिसाइफर करेंगे, अभी तक तो हुई नहीं है। डिसाइफर हो जाएगी तो प्रोटो हिस्ट्री से हटा देना, लेकिन अभी वो प्रोटो हिस्ट्री है। तो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्ट्री है। नेक्स्ट आ जाओ आपका, जिसे हम कहते हैं प्योर हिस्ट्री यानी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री उसे कहते हैं जब से लिटरेचर स्टार्ट हुआ, लिखना चालू हुआ, उसे क्या कहते हैं? चले आगे, अब छोटी सी कहानी, अगेन कहानियों में ही आपके प्री के क्वेश्चन है। हुआ क्या, बुरा मानो या भला मानो, तुम्हारी जो हिस्ट्री लिखने वाले थे वो थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने ही तुम्हारी हिस्ट्री लिखी है। एक बहुत बड़े फेमस जियोलॉजिस्ट रहे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूट फूट फूटे, क्या नाम था उनका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, क्या नाम था उनका, He was also known as फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, थे जियोलॉजी से, तो मिट्टियों में ढूंढने का अलग ही इन्हें शौक था। फिर यूरोप की इन्होंने आर्कियोलॉजी देखी थी कि वहां पर कैसे मानव कंकालों को रखा जाता है, और मानव कंकाल में दांत तो खराब ही नहीं होते, बहुत दिन तक दांत चलते हैं, दांत भी अलग ही चीज है, जब तक ये लिविंग बॉडी में रहते हैं सबसे ज्यादा खराब होते हैं, जैसी बॉडी मर जाती है खराब होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसका बैक्टीरिया लिविंग बॉडी में ही मारता है, समझ में आया? तो दांत बचाने हो वरना आरसीटी कराते रहो, तो दांत बचे रहते हैं, कॉलर बोन बची रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलर बोन ये खराब नहीं होती, स्कल बचा रहता है। लेकिन हमारी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करें, आर्कियोलॉजी मतलब कि आर्टिफैक्ट के बेसिस पे हिस्ट्री लिखना, आर्टिफैक्ट मतलब हड्डी मिल गई, बर्तन मिल गए, कुआं मिल गया, घर मिल गया, ठीक है, ग्रेव मिल गए, ग्रेव मतलब दफनाई हुई जगह मिल गई, दफनाने वाली जगह, क्रिमेटेड ग्राउंड मिल गया, जलाने वाली जगह मिल गई, तो इन सब के बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जाती है। प्रॉब्लम ये है प्री हिस्ट्री में कि हमारी इंडियन सॉयल जो है वो सेलाइन है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा आर्कियोलॉजिकल सबूत हमें मिलते नहीं है। लेकिन फिर भी एक आदमी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूट ब्रूस फूट, हाँ रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इन्होंने जगह जगह जाकर इंडियन आर्काइव को निकाला और हमारी हिस्ट्री लिखनी चालू करी। कौन सी हिस्ट्री? आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री, और उस आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूट फूटे थे, इसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट बड़े फेमस जिनका नाम था HD संकलिया, क्या नाम था, ये भी बड़े फेमस है, हसमुख दीजराज संकलिया, ये भी बड़े फेमस थे, संस्कृत स्कॉलर थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी आर्कियोलॉजी में काफी योगदान दिया। इन सबके योगदान के बाद 1861 में ब्रिटिशर्स को ये हुआ, 1861 लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट थी, और लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट, अरे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट लॉर्ड कैनिंग की थी बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना सर, लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट थी, और लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट में ये हुआ कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा डिपार्टमेंट बनाया जाए,
और थैंक्स टू आर बिलोविड एलेक्जेंडर कनिंगम, जो इसके पहले डायरेक्टर रहे एलेक्जेंडर कनिंगम, और इन्होंने क्या नहीं किया यार इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्या नहीं किया, समझ में आया? ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एएसआई, और यही एक पर्सन थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स डिसाइफर करी, इंक्लूडिंग सी यू की, हुएन सांग ने एक बुक लिखी थी सी यू की, और उसने बताया था नालंदा पे ये है, नालंदा महाविहारा पटना से इतना दूर है, फिर नीचे जाएंगे उदानता पूरे इधर पड़ेगा, और वहां जहां जा जाके देखा और आर्कियोलॉजी ने झंडे गाड़ दिए, पता चला नालंदा जैसी कोई चीज है, पता चला अरे अशोक जैसा कोई आदमी था, उसको इतना बड़ा एम्पायर था। इसी एलेक्जेंडर कनिंगम के एक गुरु थे जेम्स प्रिंसेप, जो टकसाल में काम करते थे, टकसाल में कॉइन जहां मिंट होती है उसे टकसाल कहते हैं, जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने कॉइन को मैच करके एक स्क्रिप्ट, एंशियंट कॉइन मैच कर रहे थे, उस कॉइन को मैच करके एक स्क्रिप्ट डिसाइफर कर दी, उस स्क्रिप्ट का नाम था ब्रह्मी, और ब्रह्मी जब हमें पता चला तो क्या नहीं मिला हमें, अशोक के बारे में पता चला, अशोक के एडिक्ट उन पिलर्स पे लिखा होता था कुछ किसी लैंग्वेज में, हम समझ नहीं पाते थे, हमें लगता था भूत है ये, पता नहीं क्या लिख दिया है। जेम्स प्रिंसेप वाज द मैन, और जिसने टकसाल कॉइन में, कॉइन मिंटिंग में काम करके ये सारी चीज डिसाइफर कर दी, उनके शिष्य एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप रहे, उसके बाद एलेक्जेंडर कनिंगम, और फिर लॉर्ड कर्जन के समय पर 1902 की बात कर रहा हूं, और 1904-5 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फंड दिया गया, क्योंकि ये 1861 के बाद ढीली चलने लगी थी, पैसा था ही नहीं, यहाँ पे आर्कियोलॉजी समझते ही नहीं है, और आर्कियोलॉजी के नाम पर तो आपने देखा होगा बड़ा फेमस जोक भी है कि एक बार एक ब्रिटिशर्स घूमने आया रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट उसने घूमने के बाद कहा कि मैं शाहजहां की सारी बीवियों को जानता हूँ, ये आई लव यू पूजा क्यों लिखवाया है शाहजहां ने, वो आई लव यू पूजा लिखने वाले अपने नाम अमर करने वाले लोग बहुत हैं इंडिया में, तो आर्कियोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं, मजाक करते हैं और पूरी पूरी आर्कियोलॉजी की बिल्डिंग तोड़कर अपनी अपने घर बना लेते हैं, देखा भी होगा, तो आर्कियोलॉजी का तो बड़ा बुरा हाल है। लेकिन 1905 की बात करें तो एक बहुत फेमस पर्सन आए जिनका नाम था जॉन मार्शल, क्या नाम था, लिखते चलो ये सब बातें, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है क्या, कौन बताया मैंने, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल वो आदमी जिनके अंदर आर डी बैनर्जी, दयाराम सानी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की, समझ में आया, इंडस वैली, हड़प्पा जिसे कहते हैं, मथुरा के स्कल्पचर पता चले कि मथुरा में मूर्ति बनती थी, अमरावती जो नीचे है दक्षिण भारत में वहां मूर्ति बनती थी, गंधार में मूर्ति बनती थी, ये स्कल्पचर यहां से पता चला जेम्स प्रिंसेप के बाद, ये लोग आए और हमारी हिस्ट्री को, पर्टिकुलरली प्री हिस्ट्री को एक स्वरूप मिलने लगा। अब हम अपनी प्री हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं कि इसे पढ़ना पढ़ना कैसे है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो प्री हिस्ट्री की बात करें, अभी तक सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बोरिंग है, तो कूल है, वो खेलता है पबजी है, सीमा हैदर कैसे मिलेगी, पबजी कौन कौन खेलता है, इसलिए तू नहीं आता है कितनी बार क्लास, तुझे भी लगता है चप्पू जैसा मुझे भी मिल जाएगा है? इधर आओ। तो प्री हिस्ट्री चालू करते हैं हम, और प्री हिस्ट्री इज देयर व्हेन यू डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड। आदमी की बात करें तो प्री हिस्ट्री को जानने से पहले आप थोड़ा टाइम स्केल जान लीजिए, किस टाइम स्केल की बात करें। आदमी की उत्पत्ति तो खैर बहुत सालों पहले हो गई, लेकिन प्री हिस्ट्री को हम 20 लाख साल पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 20 लाख साल पहले हमारे, देखिए इससे पहले बहुत आदमी रहे, साइलोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्रोमैग्नन, बहुत प्रजातियां रही जो आदमी जैसी ही दिखती थी, लेकिन नेचर का लॉ है इवोल्यूशन का, नए नए इवोल्यूशन होते हैं और नई नई प्रजाति आती है, जैसे आज की जनरेशन 6th जनरेशन है, आपसे बहुत तेज है, ठीक है, एटलीस्ट इन मेंटल, पता नहीं इमोशनल का पता नहीं,
लेकिन मेंटल तो है। तो अगर देखें तो आदमी की उत्पत्ति 20 लाख साल पहले हो गई थी हमारे जैसे आदमी, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बहुत लोग रहे हैं जो हम देखेंगे आगे की क्लास में, आगे क्लास में ये भी देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में कराया जाएगा मंडे ट्यूजडे की क्लास में, 10 ईयर का जो करंट अफेयर्स। तो देखा जाए तो धरती की उत्पत्ति हैडियन एरा में हुई थी, हैडियन एरा में पूरे सचारों तरफ खाली लावा और मैग्मा था, धरती धीरे धीरे ठंडी हुई और हम आ गए फेनरोजोइक एरा में, किसमें आ गए, फेनरोजोइक इन। ये पीछे है और ये अभी का है। फेनरोजोइक को फर्दर क्लासिफाई करा गया सीनोजोइक में, जोइक का मतलब होता है जहां लाइफ हो उसे जोइक कहते हैं, इसलिए इन लोग इन इन तीन इओन को एजोइक कहा जाता है, एजोइक मतलब जहां पर लाइव, यहां लाइफ नहीं थी। आर्कियन में छोटे छोटे बैक्टीरिया आए थे जिन्हें आर्कियन बैक्टीरिया कहते हैं, और आर्कियन बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करी, ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद हम पेट्रोजोइक में आए, जोइक में छोटी छोटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आने लगे, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए तो हम कैम्ब्रियन पीरियड में आ गए, और कैम्ब्रियन को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं क्योंकि समुद्र में लाइफ इसी समय एक्सप्लॉयड हुई थी कैम्ब्रियन के समय। समझ में आया? ये जो विभाजन आप देख रहे हैं ये रॉक्स के ऊपर है, जब रॉक्स की हम रेडियो डेटिंग करते हैं ना बेटा, रेडियो डेटिंग मतलब यूरेनियम की डेटिंग जो होती है, उस यूरेनियम डेटिंग के ऊपर इसे क्लासिफाई किया। समझ में आया? कैम्ब्रियन आया, फिर ऑर्डोविशियन, डिलूरियन, देवोनियन आया। देवोनियन पीरियड में देखो ऑर्डोविशियन और सिलूरियन, पहला लैंड एनिमल और पहला लैंड प्लांट सिलूरियन में आया, फिर एनिमल्स लैंड के आए, और लैंड पे ही आप अगर देखेंगे तो लैंड पे बम्बारमेंट हुआ प्लांट्स एंड एनिमल का कार्बोनिफेरस पीरियड, इसलिए इसे कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं क्योंकि दुनिया का बेस्ट कोयला इसी समय मिलता है, सबसे ज्यादा प्लांट और लग्जीरियंट ग्रोथ इसी समय हुई थी ना बेटा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बाद परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक आया जहां पर हम डायनासोर्स देखते हैं, और क्रिटेशियस में उनका अंत हो गया। नेक्स्ट पैलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनरी में आपने सुना होगा पैलियोजीन और नियोजीन को टर्सरी भी कहते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन इसी पीरियड में हुआ है, और फिर क्वार्टरनरी में हम आ गए प्लिस्टोसीन और होलोसीन। अब यहां से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री को प्लिस्टोसीन और होलोसीन से ही लेना देना है। ठीक, तो इधर आ जाओ, हम क्वार्टरनरी पीरियड को, क्वार्टरनरी पीरियड को दो पार्ट में हमने डिवाइड करा था, किस किस में बेटा, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। बहुत अच्छा, ये पेन का है हमारा, ऐसे नहीं लिखा जा रहा, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्या हुआ। तो बात ये है कि हम प्रीहिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो प्रीहिस्ट्री में हमने कहा क्वार्टरनरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड किसका, सीनोजोइक एरा का। आपको इतना नहीं याद रखना, बस क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी को दो पीरियड में डिवाइड किया गया। इधर आओ, ये इधर देखो, क्वार्टरनरी को दो इपोक, इपोक कहो या टाइम जोन कहो, बात एक ही है। आप इतना जियोलॉजी अभी नहीं करनी, जियोलॉजी तब जियोलॉजी पढ़ाएंगे तब करी जाएगी। तो क्वार्टरनरी को दो इपोक में डिवाइड कर सकते हैं जिसे कहा गया होलोसीन और, इधर लिखो प्लिस्टोसीन, और इधर प्लिस्टोसीन का मतलब आइस एजेस, यहां पर लास्ट आइस एज रही है, लेकिन आपको इस समझ में आना चाहिए कि इसी आइस एज में ह्यूमंस का सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है, और जिस हम होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं वो इनके बीच में आया है। ठीक है, इनके बीच में आया है, जब प्लिस्टोसीन खत्म होने वाला था और होलोसीन आने वाला था तब मॉडर्न होमो सेपियन आया। समझ में आया क्या बोला मैंने? चले आगे। अब प्लिस्टोसीन में हम हिस्ट्री के बेसिस पे देखो, जियोलॉजी के बेसिस पे तो इस आई प्लिस्टोसीन पीरियड को चार इंटरग्लेशियल पीरियड्स में बांटा जाता है जिसे गुंज, बिंडल, रिस एंड वर्म कहते हैं। ये क्या है? ये इंटरग्लेशियल आइस पीरियड है, यानी आइस आई थोड़ी सी कम हुई,
फिर आइस एज आई, फिर कल। आइस एज का मतलब जब पोलर एरिया से आइस इक्वेटर तक फैलने लगे उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, जब इक्वेटर से गर्मी पोलर तक फैलने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया यहां तक एवरीवन? तो प्लिस्टोसीन में, प्लिस्टोसीन में हम हिस्ट्री पे डिवाइड करते हैं, जियोलॉजी में नहीं। तो जियो हिस्ट्री के बेसिस पे देखे, प्री हिस्ट्री के बेसिस पे, तो प्लिस्टोसीन को में आदमी स्टोन टूल्स यूज करता था। कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? हम नहीं, हमारा पूर्वज होमो हैबिलस। कौन? होमो हैबिलस मतलब कि कभी कभी तो वो चार दो खुरों पे चलता था, लेकिन मोस्टली वो चार, उसका नाम था होमो हैबिलस। ये रहा होमो हैबिलस। इन सब को छोड़ो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, साहिलपिथेकस, ये सब हम करेंगे, डेनिसोवन, ये सब रटवा देंगे इवोल्यूशन, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्या है? होमो सेपियंस। मोस्टली ये चार खुरों पे चलता था, बाकी ये दो खुरों पे भी चलना सीख गया था। ये आया था। अच्छा, और इस प्लिस्टोसीन पे ये जब आया था और इसने जो स्टूल टोन्स यूज करे थे, स्टोन टूल्स, आदमी जानवरों से अलग है क्योंकि वो टूल्स को यूज करता है। टूल्स क्या? अपना काम करने के लिए, किसी भी काम करने को फास्ट बनाने की कोई भी मशीन टूल्स होती है। समझ में आया? और आदमी जानवरों से अलग क्यों है? वो टूल्स यूज कर सकता है। जैसे आजकल तो देखा होगा बंदर भी इस टूल एज में आ गए, स्टोन एज में आ गए। कहने का मतलब क्या है? देखो इधर, प्लिस्टोसीन में आदमी टूल्स यूज करता था। कैसे टूल्स? ऐसे नहीं पता चला सीसो यूज कर रखा है या फिर हथौड़ा यूज कर, क्रूड टूल्स, पत्थरों वाले। तो पत्थरों वाले टूल्स जब यूज करता था तो जब सबसे नीचे जो टूल्स मिले हैं वो सबसे पुराने होंगे, सबसे ऊपर जो टूल मिलेंगे वो सबसे नए मिलेंगे। तो सबसे नीचे जो टूल्स मिले उसे कहा गया ओल्ड, पुराना, पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन। क्या कहा गया इसे? सॉरी, लोअर पैलियोलिथिक। ओल्ड तो पैलियो हो गया ना, पैलियो का मतलब भी ओल्ड होता है। ये क्या है? लोअर। लोअर यानी जब सबसे नीचे मिला है, इसलिए इसका नाम लोअर है। सबसे नीचे, लोअर, लोअर। अगर आप, मैं खोदने लगूं तो सबसे नीचे हमें सबसे पुरानी चीज मिलेगी ना। सेडिमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है। आप कोई चीज फेंक दें और तो धूल रखे 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 रखे, देखो वो धरती के नीचे जाती रहेगी, ठीक है, उस पर धूल आती जाएगी। कार छोड़ दो एक साल तक बाहर, उस पर बिना कुछ तिरपाल डाले, ठीक है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? लोअर पैलियोलिथिक। जो मिडल में मिला, बीच में, उसे कहेंगे, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो। और जो सबसे ऊपर मिला वो नया है, ये तीन तरह की एज रहे। फर्दर इनकी डेट भी लिख लो। लोअर पैलियोलिथिक की एज डेट रही है 20 लाख साल से, कितना? आप 20 लाख लिखो, 70 लाख मत लिखो, मैं लिख देता हूं क्योंकि अलग अलग डेट है अलग अलग बुक में। हम बिल्कुल प्रिफर डेट करेंगे जब से होमो हैबिलस आया है, ठीक है। तो 20 लाख साल से लेकर, इंडिया में ये डेट वैसे 20 लाख साल चालू होती है, लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो ये डेट बहुत पहले चालू हो जाती है। इसका क्या रीजन है वो देखेंगे, हम इंडिया की डेट लिखेंगे लेकिन, ठीक है। 20 लाख साल से लेकर 1 लाख साल तक मिडल पैलियोलिथिक रही है, और ये पुरानी बिफोर की बात कर रहे हैं, बिफोर बीसी। अभी बीसी और एडी भी बता देता हूं आपको। 20 लाख से 1 लाख साल ओल्ड ये रही है, 1 लाख से 40,000 बीसी तक, 40,000 बीसी तक।
बिफोर क्राइस्ट तक, और अपर पैलोलिथिक रही है 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक। कब तक? 10,000 बीसी तक। तो दो अप्रोच हम लेके चलेंगे, एक होता इन्वायरमेंटल अप्रोच, दूसरा टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। ये जो विभाजन है वो है टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर, यानी जैसे जैसे स्टोन टूल्स की टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे हमने ये एज चेंज करी है। जैसे इसमें जो टूल्स यूज करता था वो अचूलियन टूल्स थे, अचूलियन से पहले ओर्दोवान थे जो हमारे यहां नहीं मिले हैं, अभी बता देंगे। इसमें जो टूल्स यूज करता था वो सोफिस्टिकेटेड हो गए, इसमें टूल्स और सोफिस्टिकेटेड हो गए, फ्लेक्स तरह के होने लगे। तो ये टूल्स, टूल्स का मतलब औजार, अभी औजार दिखा दूंगा सब, ऐसे मत देख ऊद बिलाप की तरह मुझे कोई, औजार दिखा दूंगा। औजार के बेसिस पे ये विभाजन किया गया है, सबको समझ में आया? आगे हम फर्दर जो देखेंगे वो आदमी के सेटलमेंट और रहन सहन पे डिवाइड किया गया है, इसलिए उसे इन्वायरमेंटल अप्रोच कहते हैं, कि वो रहता कैसे है, खाता कैसे है, पोटरी कैसी है। ठीक है एवरीवन? तो हम स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज से। अब पहले इन सबको देख लेते हैं एक बार इवोल्यूशन। सबसे पहले होमो हैबिलिस से चालू करते हैं। होमो हैबिलिस आदमी हमारी इंडिया में नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है। अब वो इंडिया रहा आया ही नहीं था या मिला नहीं है, उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिला नहीं है, क्योंकि हमारे यहां एक टूल्स भी नहीं मिले हैं जो ये होमो हैबिलिस यूज करता था। उस टूल्स को कहते हैं ओर्दोवान। क्या कहते हैं? ओर्दोवान टूल्स जो हैं वो हमारी इंडिया में नहीं मिले हैं। है इसमें ओर्दोवान? डाल तो रखा था हमने, कोई बात नहीं। तो इसका कहते हैं ओर्दोवान। ये ओर्दोवान टूल एक तंजानिया में टूल, ये देखो ये ओर्दोवान है, ये क्रूड फॉर्म का टूल है। इस क्रूड फॉर्म के टूल को कुछ नहीं करा गया, पत्थर पे पत्थर लगरा गया और पत्थर पे पत्थर रगड़ के जो इस ये हिस्सा है इसको टूल की तरह यूज किया गया। समझ में आया? लायन इन टूल को यूज नहीं करता, चीता इन टूल को यूज नहीं करता, हमारी कम्युनिटी करती है। और इन टूल से हमने बहुत सारे काम करे, पेड़ पे चढ़ के किसी का सर फाड़ दे, टूल। और सर दुश्मन नहीं, प्रीडेटर हो सकता है, तो हमने इन टूल्स का यूज किया। अब बंदर भी स्टोन एज में एंटर कर गए हैं। जैसे यूपीएससी ने 2023 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूज्ड टूल्स एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूजिंग टूल्स एज आर यूजिंग टूल्स, और उसमें हाँ उसका आंसर ओरांगुटान है। अरे तुम लोग ओरांगुटान की तरह ही तो लगते हो, बटरफ्लाई थोड़ी ना टूल्स यूज करेगी या लायन थोड़ी ना करेगा, ओरांगुटानो कौन यूज करेगा? शकल देखी है ना अपनी, वही है ओरांगुटान, देखो इधर। ये टूल्स को यूज कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है मैडम, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहां ओल्दोवान टूल्स नहीं मिले हैं। ये टूल्स तंजानिया के ओल्दोवाई एक गॉर्ज है, ओल्डोवाई गॉर्ज है तंजानिया में, उस ओल्डोवाई गॉर्ज में ये तंजानिया के टूल्स मिलता है, ओल्डेस्ट टूल्स। इसलिए कहा गया कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है। ठीक है, टूल्स के बेसिस पर कहां से मिलते हैं? ओल्दोवाई गॉर्ज, ओल्दोवाई गॉर्ज। तो इन टूल्स के बेसिस पे ओल्दोवान हमारे यहां नहीं मिले हैं। नेक्स्ट तरह के जो टूल्स आए उसे कहा गया अचूलियन टूल्स। क्या कहा गया? जिसमें हैंड एक्स था, हैंड एक्स आदमी का पहला टूल है, हैंड एक्स कुल्हाड़ी, और चोपर, खाल को छीलने वाला चोपर। आदमी इतना तेज था कि मतलब आपको याद मतलब समझ में नहीं आएगा, इतनी प्रोपेंसिटी कि हमारे लोगों को क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग का विकास इस बात पे हुआ है कि जो
हमारे प्रीडेटर बड़े बड़े जानवर खाके जो मांस छोड़ जाते थे, उन छूटे हुए मांस का, वो छूटे हुए मांस का जब हम बोन मैरो चूसते थे, उस बोन मैरो से माइंड का विकास हुआ है। और विकास कहां से कहां हो गया कि जिन प्रीडेटर, जिन जंगली जानवरों से हम डरते थे, वो चीता, वो लायन, वो टाइगर जो रात में आके हमारा शिकार करता था, और इसलिए सबसे ज्यादा डर भी हमें रात में ही मिलता है, सबसे ज्यादा डर आपको रात में ही होता है, सारे भूत सोस लगाकर रात में ही आते हैं। उस जानवर, उस प्रीडेटर को आज हम टेम करते हैं, कहते हैं दूध पिएगा, कहता नहीं, मारते हैं, पी दूध, दूध पीता है वो हमारे बोतलों से। कहां से कहां निकल गया आदमी। जिस जानवर से हम डरते थे, हमारे परदादाओं ने कभी सोचा नहीं होगा प्रोजेक्ट टाइगर ही का बला है बे, टाइगर बचाना पड़ रहा है, वो टाइगर जिसने सबसे ज्यादा जान ली है हमारी, मैन ईटर, उसे हमें बचाना पड़ रहा है। आदमी छोटा मोटा नहीं बेटा, बहुत बड़ा ब्रह्मा है। सर क्या हुआ, मार्स पे जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा अपनी जान बचाने के लिए, जो आदमी इधर उधर कर रहा है उसने कभी सोचा होगा कि हम मार्स जाएंगे। आपको पता है वुमेन्स जो है, वुमेन्स अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगी तो वुमेन्स कलर पहचानने में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वुमेन्स का काम गैदरिंग का रहा है। वुमेन्स का काम एग्रीकल्चर में भी हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर को पहली बार डोमेस्टिकेट करने वाली वुमेन्स है। कि आदमी जब हंटिंग पे जाता था तो डोमेस्टिकेशन का काम, यानी बीजों को चुनने का काम, बीजों को देखने का काम, ये सब वुमेन्स ने करा है। इसलिए वुमेन्स कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा पहचानती है और इसलिए प्रिसाइज होती है। आदमी हंट करने जाता था तो उसका भी हंट हो सकता है, इसलिए आदमी का पेरिफेरल विजन बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैन यूजली आर गुड ड्राइवर्स, पेरिफेरल विजन अच्छा होता है और वुमेन्स प्रिसाइज होती है। तो बगल में ऑटो वाला चल रहा होगा, उसे नहीं देखेंगे, कहेंगी लगे हाथ क्या हो गया। अरे पेरिफेरल विजन इतना अच्छा नहीं होता, जब आप प्रिसाइज हैं, एक ही चीज पे केंद्रित हैं, तो आपका पेरिफेरल विजन इतना अच्छा नहीं है। लड़कों का पेरिफेरल विजन अच्छा होता है, ये कोई बायसनेस नहीं है, इवोल्यूशन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मुझे ये नहीं कहना आई एम एंटी वुमेन, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने प्रिसाइज भी तो कहा, मैनेजमेंट में वुमेन्स क्यों अच्छी होती है, प्रिसाइज होती है। अरे वुमेन्स में तो ये पावर होती है, माँ दुर्गा है, वो कुछ भी कर सकती है, उसे छोड़ो आप। वो तो मैं भी मानता हूं कि वुमेन्स आर बायोलॉजिकल मोर सुपीरियर देन मैन, इसलिए सर्वाइविंग रेट वुमेन्स का आर मच मोर हायर देन द मैन, ये भी है, बायोलॉजिकल सुपीरियर है। आदमी एक्सट्रीमिटी में नहीं जी सकता, एक छोटा सा बच्चा होगा, अगर वो लड़का हो गया तो उसे बहुत केयर की जरूरत है। लड़की किसी भी इन्वायरमेंट में पल जाती है, वुमेन्स आर बायोलॉजिकली मोर सुपीरियर। कोविड में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने वाले लड़के हैं, लड़कियों को नहीं आता। किसने कहा बायोलॉजिकल वीक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप बायोलॉजिकल वीक खाली स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ खाली सामान उठाने के लिए नहीं होती है, वो तो कूली मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ फुल है, फिर सामान उठाने में थोड़ी ना स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है मेंटल स्ट्रेंथ, होती है किसी चीज को कंसिस्टेंटली कर देना, ये सब स्ट्रेंथ के फिनोमिना है। तुम अभी भी गधे चाल पे हो, गधे ने वजन ज्यादा उठाया तो शेर से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली कह रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल ही भी कह रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल मोर सुपीरियर। चलो क्या क्या बात है ना, उस तरह से प्रमोट नहीं करा जाता है ना, एक टाइम जोन का सब्जुगेशन है भी है वुमेन्स के साथ। सोसाइटी में हम देखेंगे सब्जुगेशन कब स्टार्ट हुआ, जब नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर आया और आदमी ने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर एग्रीकल्चर चालू करने लगा, तो हुआ क्या, वुमेन्स फॉर द पीरियड ऑफ 9 to 10 मंथ्स वो कोई काम नहीं कर सकती,
फिर वुमेन्स काम नहीं कर सकती तो आफ्टर डिलीवरी वो तब भी काम करने लायक नहीं रहती है, ठीक है। तो क्या है, वुमेन्स फिर घर पे बैठने लगी। और एक बार अगर आप पार्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है तो आपका समाज कभी इज्जत नहीं देगा। घर पे ही देख लीजिए, वो लड़का जो कमाता हो और जो लड़का निखट्टू सवन कुमार भी होगा ना, तो भी माँ बाप कमाने वाले लड़के को ही सवन कुमार कहेंगे, चाहे वो कितनी बदतमीजी में बात करता हो। दिस इज द इकोनॉमी। तो वुमेन्स पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं रही, इसलिए सब्जुगेशन रहा, इसलिए उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में नहीं डाला गया, चाहे वो कुछ कोई भी हो। वरना किसी में अच्छा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हमने देखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अब खुद ही देखो, हमारी के लड़कियां किसी लड़कों से कम है क्या, नंबर में, जवाब देने में, किसी भी चीज में तुम किससे कम हो? हाँ, तो फिर ऐसी बात होता, एक सीरीज ऑफ ऑब्जुगेशन होता है। बात ये, सब्जुगेशन इतनी बुरी चीज है, आपको ये अभी समझ में नहीं आता, आप समझिए इस तरह से, आप अपने आसपास महसूस करा करें ये सब्जुगेशन। कोई काम करने वाला, मेट्रो में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेट्रो की सीट पे नहीं बैठते हैं, कभी देखा आपने? वो कभी आपको मेट्रो की सीट पे बैठे हुए नहीं दिखेंगे, हमेशा खड़े ही रहेंगे, सीट खाली होगी तो भी नहीं बैठेंगे। क्यों? सब्जुगेशन, उन्हें लगता पता नहीं लोग क्या कह देंगे हमें, इतना अंदर से ही भय है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, सीट खाली है तो भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो देखा जाए तो ये अपर कास्ट की दया नहीं है, उनका हक है। वो लोग जो राउंड द सेंचुरीज प्रताड़ित है, मैंने लोग देखा सही से बोल नहीं पाते क्योंकि गांव ने उन्हें अलग थलग कर रखा है, ठीक है। चलो, फालतू की बकवास हम ज्यादा नहीं करते, फालतू क्या, ये तो जरूरी है, आओ इधर आओ। तो ओल्डोवान टूल्स आए, होमो हैबिलिस इसे यूज करता था, फिर आया अपना उस्ताद जो सबसे ज्यादा जिया है, 20 लाख साल जिया है, और इंडिया में भी ये मिला है, और दुनिया में कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां भाग भाग के नहीं गया, भागने वाला आदमी और रनर, होमो, दुनिया की हर जगह ये मिला है, इंक्लूडिंग इंडिया, हाथनोरा मध्य प्रदेश, जिसे नर्मदा मैन भी कहते हैं, यही है वो, इंडिया में भी मिला इसके रिमेन्स। इसका नाम था अचूलियन टूल वाला। इसके टूल कैसे हैं? कुल्हारी, हैंड एक्स, चोपर, इन सबको, चोपर मतलब चोप करने के लिए, पत्थर होगा, मांस को निकालेगा, इंजॉय करेगा। इसलिए आप देखिए, चलो आपको इवोल्यूशन ही बता देता हूं, ये सब करने में मजा, चलो मतलब ठीक है, पता होना चाहिए आपको अपनी हिस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी शादी बारात और पार्टी होगी तो खाना बनाने वाले हमेशा लड़कियां, लड़के होंगे, और कभी छोटा काम, छोटा खाना बनाना होगा तो हमेशा लड़कियां बनाएंगी। पता है क्यों? लड़कियां गैदरर्स हैं, लड़कियां एग्रीकल्चर करती थी, लेकिन जब आप हंटिंग करने जाते हैं तो ग्रुप में करने जाते हैं, और बड़ा जब मांस लेके आते हैं तो सब में बढ़ता है और सब सब पकाते हैं। इसलिए लड़के बड़े बड़े पार्टी पूरे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइज करेगा तो लड़के खाना बनाते हैं उसमें, आज भी। दिस इज द इवोल्यूशन, समझ में आया? होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। सबको मजा तो आ रहा है ना, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ो तो। इससे तो अभी पहला चैप्टर है, क्योंकि अभी तो प्री हिस्ट्री है, कि कितने लोगों को प्री हिस्ट्री हजम नहीं होती है वो अलग बात है, वरना जैसे जैसे हिस्ट्री के अंदर आओगे इट विल यू विल फील मच मोर इंटरेस्ट, अब मजा ही आ जाएगा, जिंदगी में कुछ पढ़ा है, और हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा फेवरेट पास्ट टाइम है ना ये, सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने हिस्ट्री ही पढ़ी है। चलो आ जाओ, तो होमो इरेक्टस पास्ट टाइम स्टडी है मेरी, ये मेरा पास्ट टाइम सब्जेक्ट है। तो होमो इरेक्टस के बाद आए नियंडरथल, बड़े तेज थे, और जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है इंडिया कह रहे वर्ल्ड में और ह्यूमंस में, इन नियंडरथल से ही आई है, इन्हीं के से कैंसर आया है, इन्हीं का इंटरमिंगलेशन और इंटरब्रीडिंग होमो सेपियंस के साथ हुई थी, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आई, जितनी भी जेनेटिक बीमारी होती है
इनपे जेनेटिक प्रॉब्लम थी ना, इसलिए तो अस्तित्व खत्म हो गया इनका। इनका अस्तित्व क्यों खत्म हो गया, कितने लोगों का, इन सब का? दे आर नॉट फिटेस्ट टू द नेचर एंड नेचर सर्वाइव्स द फिटेस्ट ओनली। प्रकृति का नियम है जो कोमल है, निर्मम है, नाजुक है, उसे सबसे ज्यादा खत्म, जल्दी खत्म करती है। नदी जब बहती है तो जो सॉफ्ट चट्टान है उसे तोड़ तोड़ के खत्म कर देती है, और जब हार्ड चट्टान है तो उसमें उछल उछल के जाती है, वाटरफॉल बना देती है। प्रकृति का नियम है। तो ये निर्मम थे, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं थे, इसलिए इनका एग्जिस्टेंस। एक बात बताओ, भैंसों को ब्रुसेलोसिस क्यों होता है, या फिर एक मान लो बीमारियां नहीं होती है जानवरों को, क्यों होती है? कुछ जानवरों को ज्यादा बीमारियां होती हैं। देसी कुत्ता मीठा खिलाओ तो तुरंत उसे काटने लगेंगे छोटे छोटे कीड़े, हैं? जर्मन शेफर्ड को खिलाते जाओ चाटता जाएगा, क्यों ऐसा है? ब्रीड है ये। इंडियन कुत्ता कितना ही वो कर लो, नाली में जरूर मुंह मारेगा, क्योंकि वो घर में पलता ही नहीं था कभी। और आजकल के लोग बेड पे सुलाते हैं, कुत्ता नहीं है, टॉमी है, नॉट कुत्ता। मैंने कभी कुत्ता नहीं पाला, हैं? किस किस के यहाँ कुत्ता है? कुत्ता मतलब वही साथी, भाई, दोस्त, बहन, कौन कौन कहाँ कौन किस किस क्या है, नहीं है। तो अंग्रेजों के बाद पलने लगा वो, इसलिए अंग्रेजों की ब्रीड आती है बाहर वाली, जर्मन शेफर्ड, लेबरा, बुलडॉग। कौन यहाँ का देसी पपलू पालता है? पालता है क्या? और पाल भी लोगे तो तुरंत भाग जाएगा, जैसे कोई हलवा खिलाएगा तो छोड़ जाएगा, कहेगा हलवा वाला अच्छा है, कोई बोटी दे दे तो भूल जाएगा तुम्हें, कहेगा दाल चावल खिलाता है ये इधर आओ इधर, मजाक करना पड़ता वरना सो जाएगी ये। नियंडरथल के बाद नेक्स्ट जो प्रजाति अपनी आई उसका नाम था होमो, अपनी प्रजाति। इसमें भी एक प्रजाति मैं बताऊं, इससे पहले एक आर्काइक होमो सेफियन भी आया था, वो भी आर्काइक मतलब पुराना वाला, उसका दिमाग कमजोर था, वो भी एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये सिंगल माँ के बच्चे नहीं है, अलग अलग इवोल्यूशन है। कितनों का तो सेम टाइम पे इवोल्यूशन है भाई, अलग अलग प्रजाति है। आज भी हम कितने जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं, यूरोपियंस में 5% नियंत्रण थल के जीन्स हैं, तो उनकी मदर या फादर नियंत्रण थल होंगे ना, तभी तो जीन है 5%, तभी इतनी जेनेटिक प्रॉब्लम है, कैंसर का गढ़ है यूरोप, ठीक है। तो ये सेम माँ के बच्चे नहीं है, अलग अलग माँ के, ठीक है मैडम। ऐसा मत कहना ना होमो इरेक्टस से होमो सेफियन निकल गया, मैं अपना खुदकुशी कर लूंगा नहीं, अलग अलग माँ के बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, इनका ये हो सकता है इनके इंटरमिंगलेशन हुआ हो, जैसे नियंडरथल होमो सेफियंस का हुआ, इरेक्टस का भी हुआ, क्योंकि हमारे यहां हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीन में कुछ कुछ जीन सबके मिलते हैं, कुछ कुछ जीन सबके मिलते हैं। ये दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट थे, ठीक है, ये प्रेजेंट थे, ये दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट थे, ये इधर प्रेजेंट था, क्यों एग्जिस्टेंस खत्म हुआ है? आप कोई सरवाइव, अब बात है ना, कोई जैसे कहना नहीं चाहिए ऐसा, अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। अच्छा, अंग्रेज भी पूरे पक्के हैं, आप अगर देखोगे तो आदि मानव ये इन्होंने हमेशा काले और बाल वाले दिखाए हैं, अफ्रीका में क्योंकि ब्लैक लोग होते हैं और उनपे बाल भी होते हैं, तो इवोल्यूशन में भी रेसिज्म है। नियंडरथल ऐसे बाल वाला नहीं है, काला नहीं है, लेकिन उन्होंने आदि मानव दिखाए हैं तो सारे काले और बाल वाले, रेसिज्म है ब्लंट लेवल का। चले आगे, फालतू की बात बहुत करते हैं, चलिए। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, यानी निचला पूरा पसार, निचला सबसे नीचे जो मिला है उसे निचला कहते हैं, लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं। चले बेटा, तो हमारे यहां कौन सा मैन मिला है? तो लोअर पैलियोलिथिक का जो हमें आदमी मिला है उसका नाम है होमो इरेक्टस। क्या नाम है? होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस हमारे यहां नहीं मिला, इसलिए मैंने, आपने देखा होगा लोअर पैलियोलिथिक की एज भी 20 लाख से स्टार्ट करी है, उससे पुराना हमारे यहां नहीं मिला है। तो होमो इरेक्टस की बात करें तो एक जगह है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हथनोरा, हथनोरा मध्य प्रदेश के तट पे ये लोअर पैलियोलिथिक का वो आदमी मिला है। मध्य प्रदेश की जगह है, नर्मदा बहती है,
उसका तट है वहां पर ये मिला, हतनोरा एक गांव का नाम है। इससे पहले भी लुईस डुपरी थे, क्या नाम था उनका, लुईस डुपरी। लुईस डुपरी जिन्होंने अफगानिस्तान में भी इस तरह का होमो इरेक्टस फाइंड आउट करा था दर्राए कुल में, कहां करा था, दर्राए कुल में। लिख लो इस बात को भी, क्योंकि भाई हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, ठीक, और इंडिया भी आता है। ये तीन चीज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आती है, और पहले ये इंडिया था। जैसे अशोक का एम्पायर कंधार से लेकर ब्रह्मगिरी तक, साउथ में ब्रह्मगिरी है कर्नाटक का, वहां तक जाएंगे तो अशोकन एम्पायर था वो, कंधार से लेकर। तो अफगानिस्तान अपन का ही पार्ट है, वो पहले तो हम वहां जाएंगे ना, पाकिस्तान। दर लिखो, दर्राए कुल, दर्रा, दर्राए कुल, ई का मतलब होता ऑफ, दर्रा का मतलब रिवर। 1966 में लुईस डुपरी ने आइडेंटिफाई करी थी। उसके बाद 1892 में हतनोरा में एक अरुण संकलिया थे, क्या नाम था इनका, नहीं नहीं अरुण नहीं, एक मिनट रुक जाओ, नर्मदा मैन सर्च कर लेते हैं ना, अरुण करके नाम है कुछ, बता रहा हूं मैं, इसलिए मैं सिली मैन की बाद में बात करेंगे, लेकिन फाइनली आइडेंटिफाई करा था इन्हें, हाँ ये लिखा ना, अरे अरुण सोनकिया, नाम सब बार बार याद नहीं आ रहा था, अरुण सोनकिया, एच डी संकलिया मतलब अरुण सोनकिया, ये लिख लो अरुण सोनकिया। इन्होंने नर्मदा मैन आइडेंटिफाई करा, बाद में पता चला है नर्मदा ह्यूमन है, लड़की लिख ली मैन की जगह, ठीक है, नर्मदा मैन इज नर्मदा वुमेन, इसलिए नर्मदा मैन की जगह नर्मदा ह्यूमन कहा गया। एक ने तो पूरी बुक लिख ली लोनलीनेस ऑफ नर्मदा मैन, बाद में पता चला वुमेन थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद रॉबर्ट एच डी संकलिया के बाद एक और चीज है, श्रीलंका में हियान लेना केव्स है, क्या नाम है, हियान लेना केव्स, हियान फाइयान लेना केव्स जो है, जिसे फाइयान एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे, उनके उन्हें वो जिस केव में गए थे वहां पे भी हमें लेट प्लिस्टोसीन पीरियड का, यानी लेट प्लिस्टोसीन पीरियड का एक मैन मिला है जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, इसके बारे में भी लिख लो। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें हमें होमो इरेक्टस मिला है, होमो इरेक्टस दो तीन चीजें कर लेता था, जैसे इसे फायर के बारे में पता था, गलत लिखा, लर्न टू कंट्रोल फायर, इधर आओ, हाँ बोल बोल बोल, हमारी डिसीज, हमारी डिसीज थी, हम गए थे, अच्छा क्या मतलब, अमेरिका जब हम गए थे, हाँ कितने लोग तो कहते हैं होमो सेपियंस नहीं मारे, क्योंकि नियंडरथल के रीड में है ना वो मिला है एरो रिब में, अब आसमान से तो एरो आया नहीं होगा, किसी ने मारा होगा, कंटेम्पोररी है कौन, चलो हाँ बोलो बोलो, सर्वाइवल की तो लड़ाई होती है, खाने की लड़ाई है, रिसोर्स की लड़ाई है, इंडिया में क्या हिंदू मुस्लिम तो ना, खाने की लड़ाई है, रिसोर्स की लड़ाई है, इट्स ऑलवेज अ रिसोर्सफुल, रिसोर्स की लड़ाई होती है, बस उसी की लड़ाई है हमेशा, चाहे जात में हो चाहे रिलीजन में हो, आपको क्या लगता है इस्लाम नहीं था तो हमारी इंडिया में लड़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, कुरान साहब पढ़ लो, डाइकॉटमी से फुल है, चलो क्या बोला, हाँ हाँ भाई, इतनी पुरानी हिस्ट्री का तो नहीं बताया जा सकता, बेसिकली ये है कि डिसीज हमें नियंडरथल के स्कल में बहुत मिलती है, तो हमने कहा वहीं से आई होगी, क्योंकि दे आर फुल ऑफ जेनेटिक डिसीज। लोअर पैलियोलिथिक, तो लोअर पैलियोलिथिक को लोअर पैलियोलिथिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाइल्ड डिगिंग ये सबसे पहले मिलता है। अब सबसे पहले अगर देखें लोअर पैलियोलिथिक की साइड मोस्टली हमें रिवर्स या लेक्स के पास मिली है, जैसे आप देखेंगे एक जम्मू कश्मीर में बड़ी फेमस साइट है गुफकराल, सुना है गुफकराल, 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 ये लेक के पास थी। अच्छा पहले पूरा जम्मू कश्मीर जो आप देखते हैं, कश्मीर की वादी पर्टिकुलर, ये पूरी एक लेक थी
जो हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने के बाद बनी थी। तो आप देखते होंगे उसमें जब लेक होती है तो लेक में बड़े बड़े पत्थर बुल्डर्स और पेबल्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं बड़े बड़े बुल्डर पेबल्स को, जिन्हें लकुस्ट्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लकुस्ट्रीन। जब ये लेक सूखी तो सूखने के बाद वो बुल्डर्स और पेबल्स छोटी छोटी मिट्टी बनाने लगे, उस मिट्टी को करेवा कहते हैं। उस करेवा पे ही सैफरॉन और आपने सुना होगा बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। तो इन्हीं करेवा सॉइल पर गुफकराल देखते होंगे, तो वो लेक के पास थी। हमें इवन नैनीताल में भीमताल लेक है, वहां पर रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, जहां जहां लेक थी, अर्ली मैन कहां रहता था? वाटर सप्लाई के पास, क्योंकि स्टोन टूल्स रिवर वैली के पास ही पाए जा सकते हैं। रिवर अपने आप इन स्टोन्स को तोड़ती रहती है। देखे होंगे आपने गोले गोले से स्टोन्स देखे। फर्दर बोरी है महाराष्ट्र की, ये अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट बताई गई है। साइट का मतलब, अब साइट का मतलब जहां पूरा पूरा सेटलमेंट हमें देखने को मिला है। एक दो ग्रेव नहीं मिली है, यानी एक दो स्केलेटन नहीं मिले हैं, यहां पूरा एक सेटलमेंट देखने को मिला। सेटलमेंट का मतलब बहुत सारे लोगों के एक साथ मिली है। तो पहली जो अर्लीस्ट सेटलमेंट साइट है वो कौन सी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं लोग यहां पे घर बना के रह रहे हैं, सेटलमेंट सिस्टम अभी नहीं आया, सेडिमेंट्री लाइफ अभी नहीं आई है, आदमी अभी नोमैडिक है, जहां खाना मिलता है वहां जाता है, जहां पानी मिलता है वह पीता है। ठीक है, आदि मानव है, अपने आप को इमेजिन करो आदि मानवों की तरह, तब समझ में आएगा। फर्दर बहुत सारी साइट हमें ओल्ड स्टोन एज की, सोन वैली में पाकिस्तान जो है, कश्मीर वैली में, थार डेजर्ट में, जैसे थार डेजर्ट का एरिया है दिनवाना, दिनवाना में बहुत सारी साइट मिली है हमें। मेलान वैली है इलाहाबाद में, वहां पर लोअर पैलियोलिथिक की बहुत सारी साइट मिली है। ठीक है, बेलान इलाहाबाद, इस समय की हमें पेट्रोग्लिफ रॉक आर्ट भी मिली है। देखो आदमी क्या करता है ना, जब खाना अर्जित कर लेता है, ठीक है, मेन पेंटिंग और आर्ट तो आएगी हम जब एग्रीकल्चर करने लगेंगे। अभी हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, खाना जमा करके रखा जाता है, और जमा करने के बाद हम खाली होते हैं, खाली में हम क्या करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, डांस करेंगे, मदिरा पियेंगे। समझ में आया? अरे जन्म आदमी की उत्पत्ति जब से हुई है तब से वो नशा करते आ रहा है। समझ में आई बात? उत्पत्ति के साथ है ये। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि आदमी खाली रहता है तो पेंटिंग करता है, तो मेन पेंटिंग स्टार्ट होगी हमारी नियोलिथिक के बाद। लेकिन अभी आदमी, कुछ आदमी ये होता है ना, कुछ खाली है तो कुछ करने लगे, तो ऐसी हमें एक पेट्रोग्लिफ रोक की आर्ट मिली है धारकी की चट्टान में। धारकी की चट्टान जो भानपुरा मध्य प्रदेश में है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक आर्ट पेंटिंग है, जो अभी कम से कम 2 से 5 लाख साल पुरानी है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चला है, फिर भी हमने कहा 2 से 5 लाख साल। ठीक है, तो धारकी की चट्टान मिली है, और इसमें कपूल्स मिले हैं, यानी आदमी ने कपूल्स बना रखे हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना रखे। ठीक है, धारकी की चट्टान है। एक्चुअली में और कौन बनाएगा? ये नेचर ऐसे नहीं बनाती, नेचर का अगर विंड की भी ऐसे देखो, विंड तो कर नहीं सकती। अरे यहाँ पर बात है ना, इस चट्टान के आसपास हमें बोन्स भी तो मिले हैं आदमी के, और कौन बनाएगा? ये आर्ट है पूरी, क्योंकि एक शेप में है, मकड़ी शेप में, मतलब कोई कीड़ा शेप में नहीं बनाएगा। आदमी दिल बनाता है भाई, हमने आज तक कुत्ते को नहीं देखा दिल बनाते हुए। दिल बना देगा, केला बना देगा, आम बनाएगा, पहाड़ बनाएगा, घर बनाएगा। तो धारकी की चट्टान मिली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस समय, क्योंकि हमें हिस्ट्री में सोसाइटी पढ़नी है, सोसाइटी में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर सब आ जाता है, तो साथ के साथ ही करेंगे। लोग अगर लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर मोस्टली क्या थे? फूड गैदरर्स, हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। खाली हंटिंग के लिए ये टूल्स बना रहे हैं, और इस समय टूल्स कौन से मिले हैं हमें? अचूलियन। कौन से मिले हैं? अचूलियन, अचूलियन टूल्स मिले हैं। फर्दर आदमी ने वुडन स्पेयर भी बना लिया था, वुडन स्पेयर टू हंट स्मॉल एनिमल्स। वुडन स्पेयर यानी आगे उसका रॉक लगा हुआ है और वुडन का है वो। पर फर्दर Paleolithic human made tools of stone, bone and wood. Evidence shows that these early hominid intentionally selected raw material with good flaking qualities.
ये पत्थर का चुनाव करने लगा है, ये याद रखना है, साथ के साथ ये पत्थर का भी चुनाव कर लेता है। इसने हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर, चोपर्स ये सब बना लिए। फर्दर एक्सेस हमारे यहां इंडिया में, वेस्टर्न एशिया में जैसे एक्सेस मिलते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में जो है, इस तरह के ही एक्सेस हमारे यहां मिले, यानी हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी। फर्दर स्टोन टूल्स तीन चार चीजों के लिए यूज करी जाती है। एक तो मांस को चॉप करने के लिए, डिग करने के लिए, स्किन निकालने, समझ में आया, मांस को डिग करने के लिए, चॉप करने के लिए और स्किन निकालने के लिए। स्किन का क्या काम करेगा, जैसे हमें गुफराल की साइट पे मिला है एक छोटी बोन की सुई मिली है, एक नहीं बहुत सारी सुई मिली है, और उन सुई में छेद भी कर रखा है। तो क्या होता है, जानवरों की आंतों को, आंतों से स्किन निकाल के उसे सिल लिया जाता है ठंड में, ठंड से बचने। तो आदमी ये सब करने लगा है, पहले नंबर के दर्जी है ये। और यहां पर जो चमड़ा है वो प्योर है, 100% जेन्युइन लेदर। कहां मिलता है, ओल्ड पैलियोलिथिक एज, समझ में आया, आंतों से, आंतों का धागा। पता नहीं था ना मुझे बचपन से। चले आगे, फर्दर तो वो कौन सा अनंत काल तक जीवित रहेगा भाई, कितनी उम्र इसमें, 15-16 साल, अभी की तरह तो ये 70 साल जी रहा, 100 साल जी रहा बेटा, क्या बात कर रहे हो आप। ठंड में है, ठंड में बर्फीली हवाओं में वो, मैंने जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब ये स्टोरी उससे पूछो ना, ओल्ड पैलियोलिथिक एज से आके किसी को बदबू नहीं आती, पहन रहा ये बेशरम जो मर गया उससे जाके पूछ। आ जा, देखो कोटन नहीं पहन सकता था, तो पता नहीं था ना। हिस्ट्री को हमेशा टेम्पोरल स्पेस में पढ़ना है, टेम्पोरल और स्पेशल स्पेस में, हर चीज का टाइम जोन होता है और हर चीज का स्पेस होता है, किस जगह हुआ है और किस टाइम पे हुआ है, ये जरूरी है। राम ने जो काम उस समय किया, क्या अग्नि परीक्षा ली, आज वो टाइम स्पेस में देखा जाए तो आज वो अच्छा ना माना जाए, लेकिन उस समय वो मर्यादा है, हर चीज को टाइम से देखना, समझ में आया। आप टाइम का स्पेस छोड़ दोगे, इसलिए हिस्ट्री में टाइम रटवाया जा रहा है इंडिया में, वरना टाइम का एक रिफरेंस होता है, हिस्ट्री में टाइम का रिफरेंस जरूरी है, रिफरेंस रटना नहीं, 1526 बेवकूफों की तरह नहीं करना है, समझ में आया, टाइम का स्पेस लेकिन जरूरी है। जोन, आप किस जोन में बात कर रहे। अब जैसे कुशांस आते थे सेंट्रल एशिया से, बाद में कहानी बताएंगे, तो कुशांस क्या करते थे कि ऊंटों के पेट में सुराख करके उनका खून पी जाते थे। उन कुशानों को रक्त पिपासु भी कहा जाता था, रक्त पिपासु या रक्त पी जाते हैं। आप आज कहेंगे यार खून कैसे पी सकता है आदमी ऊंट का, नहीं नहीं खून कैसे पी सकता है, मैं इवन घोड़ों के भी यहाँ पे सुराख करके पी जाते थे, वो खून पी जाते थे। तो आप कहेंगे और तो और ह्यूमन, जिस आज जिस एनिमी को मारते थे उसके स्कल में पीते थे, उसके स्किल में पीते थे कुशांस। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे कर सकता आदमी, मैं कहूंगा गोबी डेजर्ट में जहां दूर दूर तक पानी की बूंद नहीं है, वहां आदमी मरता क्या नहीं करता। आज से अगर 50 साल बाद लोग अगर नॉन वेज खाना छोड़ दें, तो अब जो नॉन वेज खा रहे हैं ना उन्हें ऐसे ही कहेंगे कितने गंदे आदमी थे, मुर्गी काट देते थे गर्दन, वो छप छप छपा रही है और फिर भी खा गया, छोटा सा कटरा काट दिया, बच्चा काट दिया किसी का, वो भी हमें ऐसे ही कहेंगे, हम तो खैर खाते नहीं है ऐसी चीजें। गलत, देखो गलत, वैसे तो जानवर को काटना गलत ही है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, मैं तो खुद छोड़ दिया बहुत दिन हो गए मुझे, पहले मैं खा लेता था, मैं इसलिए खाता था मैंने कहा दूसरों को खाना मिल जाए, जो वेज वाले हैं उनका खाना खत्म ना हो जाए। लेकिन इसलिए मैं सर्व हिताए सर्व सुखाए। क्या हुआ, क्या नहीं नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अब खाना छोड़ दिया। बेसिकली वैसे भी तो देखा जाए तो नॉन वेज यार किसी भी जीव हत्या करना कहाँ तक ठीक है, और वो मानसिकता भी तो वैसे ही बना देता है। लेकिन बात ये है कि हम मच्छर को भी तो मारते हैं, हम ये है कि हमारे पास अगर रिसोर्स और संसाधन है तो हम ना खाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम भूखे मर जाएं और ना खाएं, वो गलत होगा। वरना वो अगर देखा जाए जो आदमी चाइनीज है, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ फूड है इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ दिमाग इतना, समझ में आया।
तो हम ये ना कहें अब चाइनीज पे उस समय खाना नहीं था तो वेट मार्केट चलाई जाती थी, वेट मार्केट में जो भी जानवर बिक रहा वही खा लिया, ऑक्टोपस खा लिया जिंदा, ठीक है, छिपकली का सूप, बाप रे बाप, सांप की छाल, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, और कीड़े खाते हैं मतलब बर्गर में डालकर, तो ये सब खाते हैं। तो देखा जाए खाना नहीं है तो डाइवर्सिटी, वेट मार्केट चलाई गई ना, उन्होंने खाया अपनी डाइवर्सिटी दिखाई, भूखे थोड़ी ना मर जाते। तो बात यह जब रिसोर्स है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे पास जो फूड रिसोर्स है इनफ है, तो हम अगर ये छोड़ देंगे नॉनवेज तो उसको भी कोई बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे नेचर के साथ, क्योंकि एक मुर्गा खाने में या एक बकरा खाने में हम पर्यावरण का नुकसान ही करें, ये डेट इज फॉर श्योर है। ठीक है, देख हंस रहा है, खुद रेस्टोरेंट चलाता है, मुर्गा मार के खिलाता है और हमें देखो कैसे देख रहा है, कितने क्वेश्चन पूछती है, जल्दी लास्ट हो गया भाई, हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, लास्ट क्वेश्चन पूछ रही है बच्ची, बोलो। तो सर वहां पे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है तो उनके पास लिए थे, वही बात है ना, फिर तो डाइवर्स, आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हो, वो भी गलत है कि आप किसी को खाने के बेसिस पे उसे प्रताड़ित कर रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है, जैसे मुस्लिम है गाय खाते हैं, सच बात बताऊं नहीं खाना चाहिए उन्हें, वो सस्ता मांस आता है ना इसलिए खाते हैं, सस्ता है वो, मुर्गा महंगा आता है, ये महंगा है अपना बकरा मटन, मुर्गा मटन क्या करो, चिकन को, चिकन अच्छा लगता है, मुर्गा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए खाते हैं, सस्ता है। चलिए फिर पारंपरिक खेती का हिस्सा नहीं है ये, इनके पास कहाँ इतने बड़े बड़े खेत हैं, अब तो कुछ लेने भी लगे हैं, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, पैसा भेजते हैं तो खेती ले लेते हैं कुछ, अब तो लेने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक खेती का हिस्सा नहीं है। जैसे हिंदुओं के घर में दवा के गेहूं भरा रहता है, चावल भरा हुआ होता है, इनके घर पे नहीं होता है, तो उनकी एक फूड हैबिट है जो सेंट्रल एशिया से चली आ रही है। ठीक है, तो समाज को आप एक ऑल टुगेदर प्रतिबंध करके नहीं सुधार सकते, उन्हें सिखा के ही सुधारा जा सकता है। ये उसी तरह है कि बच्चों को कोई चीज डांट के मना करो, आप नहीं होगे तो वो जरूर वो काम करेगा, लेकिन उसे प्यार से अगर आप बता दोगे, उसके कॉन्शियसनेस में सही और गलत डाल दोगे, तो बेशक वो काम छोड़, लेकिन आप डांट के कहो मैं आज ऐसा सुधार ही दूंगा, भाई नहीं होगा, ये बड़ा रेबिलियन ग्रुप है, ये किसी की नहीं सुनेगा, हमने ही नहीं सुनी, तुमने ही नहीं सुनी, तुम्हारे बच्चे कहां सुनेंगे, समझ में आया। तो वो उसी तरह है कि आप किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। आज तो पहले टीचर पीट देता था, पिटने के बाद भी कौन सा होमवर्क होता था, किसी और से ही करा के ले जाते थे, नहीं, टीचिंग को अगर उसी जगह होमवर्क में कुछ मजा दिया जाए, ऐसी बच्चों की बात कह रहा हूं, तुम तो बेशरम हो, तुम्हें तो करना पड़ेगा, इतने अधेड़ उम्र के हो गए हो अब भी सोच रहे हो कि मजे में कराया जाए होमवर्क, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बेशरम हो, अपनी बात मत सोच लेना। तो जैसे छोटे बच्चे हैं, फिफ्थ क्लास में है, सिक्स क्लास में है, तो उन्हें एक्टिविटी कराई जा सकती है, ये होमवर्क नाम पे कि घर पे जाके वो होमवर्क कर, कुछ मत कर, बुक में देख और इसे चाप चेप दे, ये क्या मूर्खता है, उससे तो कोई सुधार नहीं हो रहा समाज का। तो होमवर्क देने का भी तरीका हो सकता है, उसे एक्टिविटीज फॉर्म में हो सकता है। चलिए भाई अब इंटरवल लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है, तुम लोगों ने रिदम बिगड़वा दिया।